वैसे तो इस ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ अपने घर चोपन से, और सारे सामान की पैकिंग हो चुकी है। आज का पहली जो यात्रा की शुरुआत हो रही है चोपन से दिल्ली, फिर दिल्ली से नैनीताल के लिए है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग कई सीरीज में होगा, तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। हम चोपन रेलवे स्टेशन पे हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं। ट्रेन हमारी शेड्यूल टाइम से बिफोर आ गई है, जिसका डिपार्चर टाइम 11:45 है। कोविड की वजह से ट्रेन में बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी हम कानपुर नहीं पहुँचे हैं, कानपुर से कुछ पहले हैं। ट्रेन भी हमारा बिफोर चल रही है शेड्यूल टाइम से अपनी। ये ट्रेन हटिया से चल करके आपका आनंद विहार तक के लिए जाती है। ये डेली चलती है और फिलहाल ये पूरी राइड टाइम चल रही है। की बात करें तो ट्रेन राइट टाइम चल रही है और मेंटेनेंस और सफाई के मामले में भी बहुत अच्छी सुविधा है। पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बदलाव आया है इस सफ़र में भी और ट्रेन के रखरखाव में। इसका कारण कोविड था, कोविड के ही चलते धीरे धीरे ये ट्रेन में सुधार आई। दूसरी बात, प्राइवेटेशन हुआ, जो भी वो प्राइवेट लोग इस टाइम में रखे गए, जिसके चलते इसकी सुविधाएं और अच्छी बढ़ी हैं। तो IRCTC के एक स्टाफ हमारे पास आए और उन्होंने पूछा कि ये साफ़ सफाई के लिए कैसा व्यवस्था आपको दिख रहा है। तो मैंने बोला बहुत अच्छा है। तो उन्होंने बोला कि एक नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके आप मुझे बता सकते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि विद इन 5 मिनट मेरा स्टाफ आपके यहाँ हाजिर होगा। ये सुविधा मुझे इस समय तत्काल में तो बहुत अच्छी लग रही है। फिलहाल इस चलती हुई ट्रेन में इस विंडो से नज़ारा देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। फिलहाल हम कानपुर पहुंच गए हैं। कानपुर में 5 मिनट का स्टॉपेज है और 5 मिनट के स्टॉपेज बाद ये सीधे इसका स्टॉपेज दिल्ली है। बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है। अगर मैं सही हूँ तो कानपुर शहर एक कपड़े का हब है, दूसरा यहाँ पे लेदर के काम होते हैं। लेदर का अच्छे पर्स और भी लेदर के जो भी आइटम हैं आपको मिल जाएंगे यहाँ पे।
फिलहाल हम लोग गाज़ियाबाद पहुंचने वाले हैं और इसलिए धीरे धीरे हम लोग सारा सामान एक जगह कलेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। गाज़ियाबाद पहुँच करके हमने नोएडा के लिए कैब कर लिया, लेकिन यहाँ आने के बाद महसूस होने लगा कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है क्योंकि आबादी वाला क्षेत्र है। फिलहाल आज की वीडियो बस यही तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आप मुझे एक मनोबल मिलता है। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इसलिए इसमें आपका कुछ नहीं जाता, मुझे कुछ आपको इस तरफ से प्रोत्साहन मिल जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इस सीरीज के अगले भाग में।